गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, दिस इज योर एट्थ लेक्चर ऑफ चैप्टर फर्स्ट प्रैक्टिस 1.3। अभी हम लोग प्रैक्टिस 1.3 करेंगे बेटा, ठीक है। तो प्रैक्टिस 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बेटा, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। एक्चुअल में किलोग्राम और मिलीग्राम में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन किलोग्राम का रिलेशन भी ग्राम से होता है और ग्राम का रिलेशन और मिलीग्राम का रिलेशन भी ग्राम से होता है। तो हम ग्राम से कंपेयर करके इन दोनों के रिलेशन बता सकते हैं। तो अब देखिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, ये एक चीज़ हमें पता है, और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। अब हमें बताना है कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 1000 ग्राम में कितनी मिलीग्राम्स होते हैं, तो उतने ही मिलीग्राम्स आपके 1 किलोग्राम में भी होंगे, है ना। तो जब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, तो 1000 ग्राम में कितनी मिलीग्राम होंगे, 1000 × 1000 × 1000 दैट इज 1000000 मिलीग्राम्स। तो 1000 ग्राम में 1000000 मिलीग्राम्स होते हैं, और 1000 ग्राम्स का मतलब 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होते हैं, 1000000 मिलीग्राम्स, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने सेंटीमीटर्स मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं। तो सिमिलरली किलोग्राम और मिलीग्राम की जैसे ही किलोमीटर और सेंटीमीटर में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है, लेकिन इनके बीच में क्वांटिटी होती है मीटर, जिसका रिलेशन किलोमीटर से भी होता है और सेंटीमीटर से भी होता है। तो अब देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100, यानी कि अगर हमें ये पता चल जाए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो अगर हमें ये पता चल जाए कि 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो उतने ही सेंटीमीटर 1 किलोमीटर में होंगे। तो हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1000 मीटर में कितने होंगे, 1000 × 100 यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर, इसका मतलब, और 1000 मीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 लाख, यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बुक में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको आइटम्स दिए हुए हैं और पर आइटम के लिए प्राइस, जैसे यहाँ इरेजर है तो 1 इरेजर का प्राइस 1 रुपी, पेन्स हैं तो 1 पेन का प्राइस 8 रुपीज, ये प्राइस दिए हुए हैं। और ये बताया गया है कि लास्ट ईयर में कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपके सेल हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है, फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस दैट किट्टू सोल्ड लास्ट ईयर। मतलब कि एप्पल और ऑरेंजेस का टोटल वेट आप बताइए जो कि किट्टू ने लास्ट ईयर सेल किए हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पर वेट में दिया हुआ है ऑरेंजेस और एप्पल्स। तो देखिए, वेट ऑफ एप्पल जो लास्ट ईयर सेल हुए हैं वो है 6125। सिमिलरली ऑरेंजेस का वेट जो लास्ट ईयर सेल हुआ है वो कितना है, 2450। तो 2450, ठीक है। अब टोटल वेट, तो टोटल वेट कैसे निकालेंगे, एप्पल और ऑरेंज के वेट को प्लस कर देंगे। तो एप्पल का है 6125 और ऑरेंज का है 2450। तो 5 + 0 = 5, 2 + 5 = 7, 1 + 4 = 5, 6 + 2 = 8, यानी 8575 किलोग्राम्स टोटल वेट है जो लास्ट ईयर ऑरेंजेस और एप्पल्स सेल हुए हैं, ठीक है। तो टोटल वेट कितना आ गया, 8575 किलोग्राम्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला है, फाइंड द टोटल मनी गॉट बाय किट्टू शॉप बाय सेलिंग ऑरेंजेस। अब आपको ये बताना है कि लास्ट ईयर जितने भी ऑरेंजेस सेल हुए हैं उसमें टोटल मनी उनको कितनी मिली है, ठीक है। तो ये देखते हैं। देखिए बेटा, 1 किलो ऑरेंज की कॉस्ट कितनी है, ₹25, और टोटल ऑरेंज कितने किलोग्राम्स हैं, 2450, ठीक है। तो टोटल ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी होगी, 25 × 2450 दैट इज 61,250। तो जो टोटल मनी किट्टू की शॉप को मिलेगा
ऑरेंजेस को सेल करने से वो कितना होगा ₹61,250। ठीक है, सिमिलरली जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें आपसे ये पूछा गया है कि किट्टू को कितने रुपीज़ मिलेंगे जब वो नोटबुक्स, मतलब उसने जो नोटबुक्स और सोप केक्स को जो उसने सेल किया है तो टोटल कितने रुपीज़ उसको मिलेंगे। तो सबसे पहले बेटा नोटबुक्स टोटल कितनी है 30,080 और एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज़। तो 30,080 नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी होगी 10 × 30,080 यानी कि 3,800। यही कॉस्ट होगी आपकी। ठीक है, अभी टोटल नंबर ऑफ सोप केक्स कितने हैं 35,007 और एक सोप केक के लिए मनी कितनी है, कॉस्ट कितना है उसका 12 रुपीज़। तो 35,700 सोप केक्स का कॉस्ट कितना होगा 12 × 35,007 दैट इज 420084। तो अब टोटल मनी जो किट्टू को मिलेगा नोटबुक्स और सोप केक्स को साथ में बेचने पर वो होंगे नंबर कॉस्ट ऑफ टोटल नोटबुक्स एंड कॉस्ट ऑफ टोटल सोप केक्स, तो दैट इज 450884। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है और आपकी प्रैक्टिस भी यहीं पर कंप्लीट होती है। एक्चुअली नहीं होती है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका बचा है जो हम लोग अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।